हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कार्तिकेयपुर राजवंश को। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ और कैसे बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करी। साथ ही हमने जाना था कि कत्यूरों की जो भाषा है वो क्या है, कत्यूरों की राजधानी क्या है, और हमें कहां से कत्यूरी वंश के यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के जानकारी के स्रोत मिलते हैं। तो ये सारा कुछ हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने कार्तिकेयपुर राजवंश का पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कत्यूरी काल में घटित हुई थी। तो कौन सी वो घटना थी जो कत्यूरी काल में यानी कि 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच घटित हुई थी। तो दोस्तों, जब कार्तिकेयपुर राजवंश का काल चल रहा होता है तो उन्हीं के काल में यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में शंकराचार्य का आगमन होता है उत्तराखंड में। और जो शंकराचार्य हैं वो नारद कुंड से विष्णु की मूर्ति की खोज करते हैं और उस विष्णु की मूर्ति को दोस्तों वो बद्रीनाथ धाम में स्थापित करते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में विष्णु की मूर्ति को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? शंकराचार्य को। और विष्णु की जो मूर्ति की खोज उन्होंने करी थी वो कहाँ से मिली थी उनको? वो नारद कुंड से मिली थी। तो ये घटना घटी थी उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी शंकराचार्य की भी, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे शंकराचार्य जी का आगमन हो चुका है और शंकराचार्य एग्जाम की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो जीएस की दृष्टि से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शंकराचार्य की बात हम करें तो 1788 से 820 तक इनका समयकाल माना जाता है, यानी कि 788 में इनका जन्म हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 820 ईस्वी में हुई है। और इनका जो जन्म हुआ है शंकराचार्य का वो केरल हुआ है। केरल में एक गांव है कालपी ग्राम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। इनके पिता जो हैं वो हैं आपके शिवगुरु और माता का नाम है इनका सुभद्रा। वहीं इनका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है, ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। और इनका जो देह त्याग यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप ही इनका देह त्याग हुआ है और वहीं इनकी क्या है, समाधि स्थल है। साथ ही शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में चार पीठों की स्थापना करी है। आप ये चार पीठ कौन कौन से हैं उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो शंकराचार्य द्वारा भारत में स्थापित किए गए चार पीठ या इनको मठ भी कहा जाता है, तो कौन कौन से ये चार पीठ हैं? तो बात करते हैं पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में जो शंकराचार्य ने पीठ स्थापित करा है उसका नाम है गोवर्धन पीठ, जो कि है आपका उड़ीसा में। और जो ये पीठ है गोवर्धन पीठ, ये कृष्ण के भाई बलभद्र और सुभद्र को समर्पित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अगला देखेंगे जो है पश्चिम में जिस पीठ की स्थापना करी है वो है आपका शारदा पीठ, जो कि द्वारिका गुजरात में है और ये जो पीठ है वो कृष्ण को समर्पित है। वहीं उत्तर में जो पीठ है वो है ज्योतिष पीठ, जो कि चमोली यानी कि उत्तराखंड में स्थित है और ये जो पीठ है वो विष्णु को समर्पित है। वहीं दक्षिण में बात करें, दक्षिण में जो पीठ है वो है आपका सिंगरी पीठ, जो कि कर्नाटक में स्थित है और ये जो सिंगरी पीठ है दोस्तों ये शिव को समर्पित है। तो ये चार पीठ भारत के चार कोनों में स्थापित किए गए हैं शंकराचार्य के द्वारा। तो थोड़ा शंकराचार्य को भी हमने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे कार्तिकेयपुर राजवंश में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के जो तीन परिवार हुए हैं, ठीक, जिसमें बसंत देव परिवार पहला है, उसके बाद आपका निम्बर देव परिवार है, उसके बाद आपका सलोनादित्य परिवार है। तो एक एक करके हम सारे परिवारों को पढ़ने वाले हैं और इन परिवारों से संबंधित जो शासक बने हैं उन शासक के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बसंत देव परिवार की। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक जो हैं और कैसे संस्थापक बने हैं, क्या इनकी कहानी रही है, तो सारा हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जो भी मित्र नए जुड़े हैं वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करेंगे दोस्तों बसंत देव परिवार की, और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बसंत देव की। और बसंत देव, जैसे मैंने आपको कहा कि यशोमर्मन का सामंत था ये, ठीक है। यशोमर्मन को कई किताब में कन्नौज का शासक माना गया है और कहीं पर यहाँ पर मालवा का शासक कहा गया है।
तो बसंत देव क्या है, मालवा का सॉरी यशोवर्मन का सामंत है, और यशोवर्मन में जब आक्रमण होता है ललितादित्य का, उसके बाद बसंत देव स्वतंत्र घोषित हो जाता है अपने आप को, और वहीं पे ये जोशीमठ यानी कि कार्तिकेयपुर में एक नई वंश की स्थापना करता है जिसको हम कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं। और दोस्तों इस वंश का जो संस्थापक मैंने बता दिया बसंत देव है, और बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख के अनुसार ये कहा जाता है, यानी कि जो त्रिभुवन राज का अभिलेख हमको बागेश्वर से मिला है उसमें लिखा हुआ है कि बसंत देव जो था वो कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या है, संस्थापक है। तो ये जानकारी हमको त्रिभुवन राज के अभिलेख से मिलती है। उसके बाद बात करेंगे बागेश्वर शिलालेख में इस वंश की हमको जानकारी मिलती है। तो बागेश्वर शिलालेख में भी इस वंश के बारे में कहा गया है कि वंश कार्तिकेयपुर नाम जो है ये कोई वंश था, और इस वंश का जो संस्थापक था वो आपका बसंत देव था। अगला पॉइंट बसंत देव से ये है कि लोक गाथाओं में जो बसंत देव है उसको वासुदेव भी कहा गया है। तो लोक गाथाओं में बसंत देव को वासुदेव कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक गाथाओं में बसंत देव को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो वासुदेव इसको कहा जाता था। वहीं अगला पॉइंट है बसंत देव से कि बागेश्वर अभिलेख में इसके द्वारा शरणेश्वर ग्राम के वैष्णवों को भूमि अग्रहार प्रदान किया गया। तो बागेश्वर अभिलेख में ये कहा गया है या ये लिखा गया है कि जो बसंत देव है उसके द्वारा शरणेश्वर ग्राम के वैष्णवों को भूमि अग्रहार प्रदान किया गया, यानी कि इसके द्वारा भूमि दान की गई। ठीक है, अग्रहार का मतलब ये होता है जिस भूमि में कोई कर नहीं होता है, कर विहीन जो भूमि होती है वो भूमि इन्होंने दान करी है वैष्णवों को, किसने, बसंत देव ने। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, बागेश्वर अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं बसंत देव के बारे में। अगला फैक्ट जो है वो ये है कि इसके द्वारा जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का इसने निर्माण कराया और बागेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया था, किसने, बसंत देव ने। तो बसंत देव ने ही जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और बागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे अगला फैक्ट जो है बसंत देव से वो ये है कि बागेश्वर अभिलेख में इसकी पत्नी का जो नाम है वो है आपका सज्जनारा। तो बागेश्वर अभिलेख जो हमको मिला है उस अभिलेख में बसंत देव की पत्नी का नाम सज्जनारा अंकित है। आगे अगला फैक्ट यह है जो बसंत देव है उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, और कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी के अनुसार ललितादित्य के समय कार्तिकेयपुर क्षेत्र में बसंत देव राजवंश का शासन था। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ बसंत देव नाम का कोई व्यक्ति था और कार्तिकेयपुर नाम का कोई जगह थी जहाँ पे ये शासन कर रहा था। तो इसका पता किससे चलता है, तो कल्याण द्वारा जो लिखित है राज तरंगिणी उसके अनुसार ये हमें स्पष्ट होता है या ये पता चलता है कि ललितादित्य ने जब आक्रमण करा था तो उस समय कार्तिकेयपुर क्षेत्र जो था वहाँ पर क्या था, बसंत देव नामक क्या था, एक राजवंश था, यानी कि बसंत देव का शासक था। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब ललितादित्य मुक्तापीठ ने वहाँ पर यशोवर्मन पर आक्रमण करा था तो यशोवर्मन का जो सामंत था वो कौन था, बसंत देव था। और बसंत देव कहाँ का सामंत था, तो बसंत देव था आपका कार्तिकेयपुर क्षेत्र का यानी कि जोशीमठ क्षेत्र का। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो जाती है किससे, इस राज तरंगिणी के अनुसार। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो बसंत देव के बारे में हमने ये सारे फैक्ट जान लिए, तो कुछ कोई सा फैक्ट आपसे पूछ सकता है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बसंत देव के बाद जो शासक बनता है वो है आपका खरपर देव। देखिए खरपर देव से पहले एक और शासक होता है, पहला शासक, ठीक है, बसंत देव। देखो बसंत देव परिवार से सबसे पहला तो बसंत देव हो गया, उसके बाद जो दूसरा बनता है बागेश्वर अभिलेख में उसका नाम तो लिखा हुआ है लेकिन वो नाम अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसके बारे में अभी हमको स्पष्ट से कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद जो अगला शासक बनता है बसंत देव परिवार से वो है आपका खरपर देव, ठीक, और ये तीसरी पीढ़ी का शासक होता है, यानी कि ये पहले दो शासक बन चुके होते हैं, उसके बाद ये शासक बनता है कौन, खरपर देव। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, बस इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रही थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है कल्याण राज, या जिसको कहीं कहीं पर अधिराज देव भी कहा गया है और कई बुक में अधिराज देव ही लिखा गया है। तो इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं, तो कल्याण राज जो बनता है ये भी बसंत देव परिवार से है, और बसंत देव परिवार का एक शासक,
और ये खरपर देव जो है उसका पुत्र होता है, और इसकी पत्नी का जो नाम होता है वो होता है लद्दा देवी। ठीक, तो जितने भी हमको कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उसमें पत्नी का नाम और माता पिता का नाम अंकित किया गया है अधिकतर शासकों के अभिलेखों में। ठीक, तो कल्याण राज खरपरदेव का पुत्र हो गया और पत्नी है इसकी लद्दा देवी, और इसे अधिधज भी कहा जाता है। इसे अधिधज भी कहा जाता है क्योंकि इसने भी अधिराज की उपाधि धारण करी है होगी, इस कारण इसको अधिधज कहा गया है, और कहीं कहीं पे इसका नाम अधिराज देव भी कहा गया है या मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है बुक्स में भी। अगला जो बसंत देव परिवार का शासक बनता है वो है आपका त्रिभुवन राज देव। ये बसंत देव परिवार का लास्ट शासक होता है, अंतिम शासक होता है। ठीक, तो त्रिभुवन राज देव जो होता है इसके अभिलेख में कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक का नाम बसंत देव अंकित है, जैसे कि हमने पढ़ लिया अभी बसंत देव में कि बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक है, उसने ही कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करी है। इसका पता कहाँ से चलता है? तो इसका पता चलता है हमको त्रिभुवन राज के अभिलेख से, क्योंकि त्रिभुवन राज ने ही लिखा है उस अभिलेख में कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, बसंत देव था। अगला त्रिभुवन राज देव से जो फैक्ट है वो ये है, बागेश्वर मंदिर के लिए इसने भूमि दान करी थी त्रिभुवन राज देव ने। इसने किरातों शौका जातियों से संधि भी करी थी। उसके बाद अगला त्रिभुवन राज देव से फैक्ट ये है कि ये किरातों और शौका जातियों से इसने संधि करी थी। तो इसका एक किरात मित्र था जिसने गवीय पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान किया था। ठीक, तो इसके किरात मित्र द्वारा गवीय पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान किए जाने का जिक्र प्राप्त होता है, किसका, त्रिभुवन राज देव का। ठीक, तो त्रिभुवन राज देव से ये फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, और यहीं पर जो पहला परिवार होता है कार्तिकेयपुर राजवंश का। ठीक, तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने परिवार होते हैं, 3 परिवार, और 3 परिवार के 14 राजा होते हैं जो 300 वर्षों तक उत्तराखंड में शासन करते हैं। और पहले परिवार की हमने बात कर ली, पहले परिवार में हमने पढ़ा था किस किस को, बसंत देव को पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने खरपर देव को पढ़ा, कल्याण देव को पढ़ा, उसके बाद त्रिभुवन राज देव जो इस परिवार का अंतिम शासक था। ठीक, उसके बाद जब त्रिभुवन राज देव का शासक चल रहा होता है तो उसी टाइम पर यहाँ पे होता है धर्मपाल का आक्रमण। अब ये धर्मपाल कहाँ से आया, ये बला कौन क्या है? तो धर्मपाल जो था वो बंगाल के पाल वंश का एक शासक था। ठीक, अब धर्मपाल जो आया था उत्तराखंड वो इसलिए आया था क्योंकि कन्नौज की गद्दी के लिए इसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया होगा, ऐसा कई बुक्स में लिखा हुआ है। क्योंकि जो यशोमर्मन है, ठीक है, वो क्या था, कन्नौज का शासक था। अब यशोमर्मन भाई हार गया किसे, ललितादित्य से। अब जो वहाँ की गद्दी है वो खाली हो गई है, तो आसपास के लोग गद्दी पाने के लिए करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, तो इसलिए जो धर्मपाल है वो भी आया है। ठीक है, बंगाल के पाल वंश का शासक है और कन्नौज की गद्दी को अपनाने के लिए या उसको हासिल करने के लिए ये क्या करता है, उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। और जिस समय ये उत्तराखंड पर आक्रमण करता है उस समय किसका शासक है उत्तराखंड में, किसका शासन है, त्रिभुवन राज देव का शासन है। ठीक, तो जब धर्मपाल का आक्रमण हो जाता है तो आक्रमण के बाद एक निम्बर नामक सामंत होता है जो वहीं पर स्वतंत्र राजवंश की घोषणा कर देता है। तो ये निम्बर नाम का जो सामंत है वो किसका सामंत है या कहां से ये आया है, कहां पर ये रहता था, तो इसके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं है बुक्स में, और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि धर्मपाल का आक्रमण होता है, त्रिभुवन राज समय क्या है, वहाँ पर शासक था, आक्रमण के बाद हो सकता है त्रिभुवन राज की मृत्यु हो गई या वो हार गया हो, और वहीं पर निम्बर नामक एक सामंत है होता है जो स्वतंत्र राजवंश की घोषणा कर देता है, और वहीं से हम इस निम्बर देव परिवार को पढ़ते हैं, यानी कि जो निम्बर है वही शासक बन जाता है, और इसके बाद जो शासक बनते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो जो धर्मपाल का आक्रमण होता है, ये आक्रमण होता है या नहीं, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, तो इसकी जानकारी हमको मिलेगी नालंदा अभिलेख से। तो नालंदा अभिलेख में वर्णित है धर्मपाल के बारे में कि धर्मपाल ने आक्रमण करा है उत्तराखंड में, और उस समय उत्तराखंड में किसका शासक था या शासक कौन था, तो शासक कौन था, त्रिभुवन राजदेव था। ठीक, उसके बाद निम्बर नामक सामंत ने क्या कर दी, स्वतंत्र राजवंश की घोषणा कर दी, और वहीं से हम पढ़ते हैं निम्बरदेव परिवार को। ठीक, तो दोस्तों इस निम्बरदेव परिवार को और इसके जो शासक हैं उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। साथ ही हम अगली वीडियो में जो सलोनादित्य है और उसके जो शासक रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे।
तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आपको प्रेस करना है। साथ ही जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, जोर से मारेंगे उस पर, तो आपको एक बेल आइकन दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आपको कर लेना है क्लिक, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।